हम जो अब उपाय करने जा रहे हैं उसमें हमें चाहिए पीली सरसों। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे अभिमंत्रित पीली सरसों मंगाई है, वो सरसों को 5 किलो सरसों में डाल दीजिए, बाकी सरसों भी अभिमंत्रित हो जाएगी। ये चाहिए हमें चावल, ऐसी हमें चाहिए बॉटल खाली, वो छोटी या बड़ी हो सकती है, और हमें चाहिए हल्दी की कुछ गांठ। अगर आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं, कोई बच्चा है जो IAS बनना चाहता है, तरक्की पाना चाहता है पर उसका तरक्की नहीं हो रही, तो उसकी हमें पिक्चर चाहिए, यानी कि उसकी एक फ़ोटो चाहिए, ठीक है, जिस फ़ोटो को हम सबसे पहले इसके अंदर बॉटल के अंदर डालेंगे। और अगर आपकी कोई विश है तो उस विश को कागज़ पे प्रेजेंट टेंस में लिख देंगे। अगर आप किसी की फ़ोटो डाल रहे हैं तो सबसे पहले उस व्यक्ति की फ़ोटो को फोल्ड करके इस पिक्चर के अंदर डाल दीजिए। याद हो आपसे मैंने 2 साल पहले भी ये उपाय कराया था। अगर नहीं, आपको किसी व्यक्ति पर्टिकुलर के लिए नहीं करना, ऐसे कोई नाराज़ हो जाता है लौट के वापस नहीं आता, उसे वापस बुलाना है, उसकी पिक्चर डाल दीजिए। नहीं तो अगर आपकी कोई विश है, विश आप 2-3 विश भी इसमें लिख सकते हैं, वो विश प्रेजेंट टेंस में लिखकर इसके अंदर डाल दीजिए। अब आप इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे हल्दी की 3 गांठ, 1, 2 और 3, ये आपको कल करना है। इसके बाद सबसे पहले हम वीनस यानी कि शुक्र यानी कि चावल यानी कि चंद्रमा, इससे इस बॉटल को भरने की कोशिश करेंगे। जब ये पूरी तरह से चावल इसके अंदर चले जाएं, उसके बाद हम इसके अंदर पीली सरसों डालेंगे। ये उपाय आप कल सुबह से रात तक कभी भी कर सकते हैं, और हर बार मैं आपको ये बताना भूल जाती हूँ कि इसके बाद इस बॉटल का करना क्या है। जब तक वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में लौट के वापस नहीं आ जाता, जब तक आपकी विश पूरी नहीं हो जाती, विश ऐसे ढकी ही रहेगी, दिखेगी भी नहीं इसके पीछे क्या लिखा है, और इसको आप ढक्कन बंद कर देंगे। बॉटल छोटी या बड़ी कैसी भी हो सकती है, और इस तरह की बॉटल बना के इसे अपने घर के मंदिर में रख के इसके सामने आपको गाय के घी का दिया जलाना है। कब तक? जब तक आपकी विश या मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती। अगर आप चाहें तो इस पर अपनी उंगली से स्वास्तिक बना सकते हैं। अगर आप किसी को नहीं बताना चाहते कि आपने कोई उपाय कर रखा है, सिर्फ एक पीली सरसों और चावल इकट्ठे हैं, तो आप इस बॉटल को ऐसे भी रख सकते हैं, और जब आपकी ये विश पूरी हो जाए इसे या तो गंगा यमुना या समुद्र में डाल दीजिए, या फिर आप इसे किसी भी पेड़ के नीचे रख दीजिए। कमेंट्स में जय माता दी।